सबसे पहले आप लोगों को टोन सुना देते हैं, इसमें मैंने क्या क्या यूज किए हैं। किस तरह से प्ले करना होगा वो भी आप लोगों को दिखा देंगे। उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिदम जब आप लोग प्ले करते हैं तो एडिटिंग करने के बाद खुद सुनिएगा और अपने मन में विचार कीजिएगा कि रिदम सही में अच्छा हुआ है। अगर मन से आता है कि नहीं अच्छा नहीं हुआ है तो वो रिदम मत बजाइए, वो फिर से एडिटिंग कीजिए। अगर मन से आ जाता है कि नहीं 100% सही है तो आप वो रिदम बिंदास खेलिए। तो कैसे करके प्ले करेंगे सात समुंदर सॉन्ग में, सबसे पहले आपको रोलिंग आता है। रोलिंग के बाद मेन जो मैं माउथ को देता हूँ वो है आपका थुम्बा का टोन। क्योंकि इस गाने में अगर आप थुम्बा प्ले करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिदम सुनाई देगा, क्योंकि वो आपका कंटिन्यू जो रिदम चलता है उसके साथ आपका थुम्बा का साउंड बहुत ही घुल मिल जाता है। इसी कारण से जैसे लाइक दैट। इस तरह से अगर आप खेलते हैं ना तो आपको बहुत ही क्वालिटी साउंड सुनाई देगा। और सबसे पहले जो रोलिंग होता है से आपका सात समुंदर सॉन्ग में आप प्ले कर सकते हैं। रिदम बहुत ही अच्छा होगा जब आप स्टेज में खेलेंगे इसका रिदम, तो आपको लगेगा नहीं पूरा बेस गिटार लीड गिटार कीबोर्ड के साथ सिंगर भी बहुत मजे में गा रहा है तो लगेगा कि आपको कुछ तो हो रहा है। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि अच्छी एडिटिंग कीजिए, क्योंकि जब भी अच्छा एडिटिंग होगा तभी आपका रिदम का साउंड क्वालिटी आएगा। उसके बाद आपका बीच में एक रिदम आता है जो जंगली बीच होता है, ये आपका सात समुंदर सॉन्ग में इस तरह से मैं खेला हूँ। मेरा जो बैंड है, मेरा जो पैड है, उस पर मैं इस तरह से ऐसे करके रिदम प्ले करता हूँ। आप लोग अपना रिदम कैसे करके प्ले करते हैं ज़रूर बताएंगे। और कभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि जो रिदम बज रहा है ये रिदम आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। Thank you very much.